जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लगाए जाने वाले थाना समाधान का आयोजन जनपद के प्रत्येक थानों में किया गया। खोरा बारा शाहपुर थाने पर पहुंचकर जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन और एसएसपी शल्लभ माथुर ने फरियादियों की फरियाद को सुना, जिसमें आए 7 मामलों में से 2 को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष बचे मामलों के निस्तारण के लिए डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि जमीनी विवाद का निस्तारण श्रावस्ती मॉडल से करें, मौके पर टीम लेके जाएं और उसका मौके पर ही निस्तारण कर दें। इस मौके पर डीएम और एसएसपी के अलावा सीओ गोरखनाथ प्रवीण कुमार सिंह, थाना प्रभारी प्रदीप कुमार शुक्ला, कानूनगो विजय कुमार सिन्हा सहित अन्य लेखपाल और राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन ने बताया कि थाना समाधान दिवस में भूमि संबंधित मामले अधिक आए हैं, जिसका निस्तारण श्रावस्ती मॉडल से किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया हमारे नाम कितनी जमीन है वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद एक बार सब देखेंगे उसमें सब ठीक है। ऐसा तीनों पक्ष आ रहा है, ये मैंने मेले कराया था, आपने कराया जी, और जिसको उनके बाद मैंने प्लाट को मैंने बेचा है, जो लड़के इनके गवाही किए हुए हैं, ये गवाही दिए हुए लाइए पेपर दे अरे भाई तो बता ही तो रहे हैं यार तुम्हें, मैं अपना काम कराएंगे आप बताया बाउंड्री क्या है वैसे ईट है पूरा है भी नहीं कराते गवाही भी किया था, जब मेरी पत्नी के नाम से नहीं, मेरी सर दो ट्रक गिट्टी पड़ी है सर, उसी तरह बालू और गिट्टी और सारा वैसे छिटा रहा था, बताइए अपने पास रखे मामले देते ही नहीं तुम्हें कैसे पता पेपर कुछ रखा है रजिस्टर वाले कागज तो फिर वो रजिस्टर ऑफिस में मिल जाएगा कागज किसकी है तुम्हारे दादाजी का वो कौन है वो इसी के टेम्परेरी सर्टिफिकेट इसी लगाने के लिए बताओ पैसा जमा करोगे 200 रुपये 300 रुपया नकद दे देंगे ज्यादा है मौके से पूरा बनता है, इतने बड़ा मगन बनी हुई है, मगन में सलाम बनाए
ये खाली जमीन कौन सी गैरेज वो दुकान की खाली जमीन बर्तन सब जारी किए वो कहाँ तो पास काफी तो लगाया वो सब जारी हुआ है श्रावस्ती मॉडल वाली सूची समझ रहा हूँ यार श्रावस्ती मॉडल मतलब कितने मामला सारे निपटाना है भले एक दिन दो दिन लगता बुकिंग हो अभी ऐसे नहीं तो तीन मामला निपटा रहे मतलब सात मामले में तीन निपटा दिए चार तो रह जाएगा अर्जुन सिंह जिंदा है मर गया अर्जुन सिंह के मरने के बाद कमरा पटाने भी खत्म हो जाता है अर्जुन सिंह के 15 में मरा ना मरने को सबूत दो मुझे 6-15 सही बात है मुझे 17 का एक आदेश है ताकि आप दोनों कागज में चौहत्ती डिफाइन नहीं है और उसका स्वामी तो कोचिंग करने का अधिकार तहसीलदार के पास नहीं है। औरंगाबाद गए थे फिर आज इसी थाने पे है वहाँ तो करीब 10-15 शिकायत प्राप्त हुई मौके पे 5 निस्तारण हो गई उस पर बाकी तो श्रावस्ती मॉडल के अंदर 2 बजे के बाद गांव में जाएंगे वहाँ निस्तारण होंगे यहाँ जो किस थाने में बैठे हैं यहाँ तो 7 प्रकरण प्राप्त हुआ है उसके 2 पर निस्तारण होंगे मौके पर बाकी 5 प्रकरण अभी तो 2 बजे के बाद कोशिश करेंगे आगे निस्तारण करने के लिए बाकी तो 1 सप्ताह 10 दिन में होंगे। किस तरह के मामले ज्यादातर जमीन संबंधित मामला है 90% आप देखेंगे 90% क्या यहाँ पूरा का पूरा जमीन संबंधित मामला है अब तक यहाँ सामने और इस समय में जो फसल भी कटी हुई है हम श्रावस्ती मॉडल के अंदर 10-10 मेंबर का टीम बना हुआ है हर गांव में जा रही है मेरा टीम वहाँ जमीन संबंधित कितने मामला वहाँ मौके पर निपटा रहा है।